मंदिर तो हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा मंदिर सुना है जो केवल पत्थरों से बनाया गया हो और यूं लग रहा हो मानो हर पत्थर हवा में लटक रहा हो। नमस्कार दोस्तों, कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनसे कई चौंकाने वाली चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसे भूतों का मंदिर भी कहते हैं। चलिए आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। आज हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया कस्बे में स्थित है। इस मंदिर को आप सिहोनिया से करीब 2 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मंदिर जमीन से लगभग 115 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि रानी ककनावती महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम रानी के नाम पर रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि मौसम की वजह से यहाँ स्थित कई छोटे छोटे मंदिर नष्ट हो चुके हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता एक और कथा से जुड़ी है। देवों के देव महादेव का एक नाम भूतनाथ भी है। भोलेनाथ न सिर्फ देवी देवताओं और इंसानों के भगवान हैं, बल्कि उनको भूत प्रेत व दानव भी भगवान मानकर पूजते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव की शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत भी बाराती बनकर आए थे। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने एक साथ मिलकर किया था, लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई और निर्माण को फिर बीच में ही छोड़ना पड़ गया। इस मंदिर को भूतों का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को आप देखेंगे तो आपको ये देखने में अधूरा ही लगेगा। मंदिर के बारे में सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जानता है, मगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण रातों रात भूतों द्वारा ही किया गया है। अब ये कहानी है या हकीकत, लेकिन जो भी है बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों, अगर इस मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी आपके पास है तो कृपया हमारे साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद।